हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं एक लाइव मॉक देने वाला हूँ इंग्लिश का, प्रीलिम्स का, स्मार्ट कीड़ा का। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं इधर चार्जिंग लगा दूँ लैपटॉप। तो मॉक नंबर 8। अच्छा हाँ, कई लोग बोल रहे हैं ना कि गलत नहीं होते मेरे। देखो यहाँ पे मॉक नंबर 7 में भी कम नंबर आए हैं, 17 आए हैं। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो है ना, 5 गलत हो गए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मेरे सही होते हैं और गलत नहीं होते, नेगेटिव भी हो जाते हैं। ये तो 5 ही हैं, कभी कभी 6-7 भी गलत होते हैं। तो कभी कभी दिन नहीं होता है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं ऑप्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार होगा, है ना। देखो 20, 20, 24, 21, 25, लेकिन फिर 19, 17 भी आए हैं। तो ये होता, अप एंड डाउन होता रहेगा। लेकिन इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए, जैसे लगातार मेरे 5 मॉक 20 प्लस ही आए हैं, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आप सबसे बेस्ट अच्छा सोर्स है कि आप मॉक ही लगाइए और ग्रामर को पूरा आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, क्या क्या रूल्स हैं, है ना। और एक एडिटोरियल, 10 मिनट लगते हैं एडिटोरियल पढ़ने में, तो वो कर सकते हैं आप। और अभी इन दिनों कोई एग्ज़ाम लाइनअप है नहीं, तो मैं तो पूरे पूरे पेपर ही पढ़ता रहता हूँ। 2-3 पेपर पढ़ता रहता हूँ, द हिंदू पढ़ता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, ट्रिब्यून पढ़ता हूँ, नेट पे और भी मिल जाते हैं फ्री में, तो वो भी पढ़ता रहता हूँ मैं। तो ऐसे मैं थोड़ा बहुत अपने आप इंग्लिश को अपडेट करता रहता हूँ, ताकि लैंग्वेज के टच में रहूँ मैं, है ना। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप ये छोड़ दोगे ना प्रैक्टिस करना, तो ये फिर भूल जाओगे आप कि क्या था रूल था, का क्या रूल था, क्या आरसी को हमें करना था, कैसे करना था, ये सब आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लैंग्वेज के टच में रहना ज़रूरी है। तो मैं तो बोर होता हूँ तो पेपर वगैरह यही पढ़ता रहता हूँ मैं, ऑनलाइन मोबाइल पे यही सब करता रहता हूँ, ताकि मेरा इंग्लिश बरकरार रहे, मेंटेन रहे, है ना। तो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, इट्स ओके, प्रैक्टिस ही तो करनी है हमें, है ना। चलो शुरू करते हैं अब। थोड़ा बड़ा कर दें इसको। एरर वाले बाद में करूँगा मैं, मेरे ख्याल से 5 तक होंगे कॉलम वाले। ऑन स्कूल डेज द 3 टीनेज स्टूडेंट्स हॉप ऑन ए मोटरसाइकिल एंड राइड टू देयर पर्सनल स्टडी हॉल। तो ए एफ है, तो ए एफ चेक करो कहाँ है, नहीं है कहीं भी। सिटिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द रोड, शोल्डर नहीं है, शाउल्डर ऑफ द रोड, दे डू देयर लेसन्स ऑन स्मार्टफोन एंड ए सिंगल लैपटॉप एज कार्स एंड मोटरबाइक्स जिप बाय। तो बी है। वेन द स्कूल ऑर्डर्ड अस टू स्टडी एट होम आई वॉज कन्फ्यूज बिकॉज वी डोंट हैव ए सिग्नल एट होम। सी डी बी है, लेकिन सी डी ऑप्शन में नहीं है, तो बी है। ई रिटेलर अमेजोन हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ बैनिंग द ज्वेलरी, ईयरबड्स और टॉयज, द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड। तो ए डी तो पक्का ही है, लेकिन देखें ऑप्शन में है ए डी नहीं है, तो और पढ़ना पड़ेगा दूसरे। द यू एस डी ए हैड अर्लियर इन्वेस्टिगेटेड द सीड्स एंड अर्ज द रिसिपियंट्स ऑफ द पैकेजेस नॉट टू प्लांट दैम। तो बी ई है, बी ई सही बैठ रहा है, लेकिन बी ई ऑप्शन में नहीं है। सम ऑफ द एम्प्लॉय हैड लेबल्स दैट क्लेम्ड दे कंटेन ज्वेलरी, ईयरबड्स और टॉय। तो सी डी हो सकता है ना, और सी एफ नहीं हो सकता, कंटेन सेल ऑफ फॉरेन सीड्स इन दी, नहीं सी डी हो जाएगा। टोयोटा मोटर कॉर्प एंड कैनोन आर अमॉन्ग कंपनीज दैट विल शटर फैक्ट्रीज ऑपरेट, नहीं शटर गलत है, ए एफ वैसे होना नहीं चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। टैरिफ ऑन द मेनलैंड नियर क्यूशु विल ऑल्सो फेस डिस्ट्रप्शन, हो सकता है बी ई, बी ई नहीं है ऑप्शन में, बी के साथ क्या है, एफ है। विल एफ, विल डैट नहीं हो सकता, विल प्लांट इन ओइटा प्री, नहीं
बीडी भी नहीं है। द कंपनी इज स्टिल कंसिडरिंग वेदर टू हॉल्ट इट्स प्लांट इन, तो ये सी डी है, बहुत अप्रोप्रिएट जा रहा है, लेकिन सी डी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आई थिंक इट्स नन ऑफ दिस देन। सी एफ हो सकता है, इट्स दैट नहीं, बी एफ नियर विल दैट नहीं, ये गलत है, नन ऑफ दिस आएगा इसमें। ठीक है, आर सी हम करेंगे आफ्टरवर्ड्स। टेक्नोलॉजी ग्रैब्स आर डैश, ग्रैब्स आर अटेंशन एज इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन विद आर थॉट्स और कॉम्प्लेक्स आइडियाज वी आर गिविंग आवर माइंड्स ओवर टू द स्क्रीन। ठीक है, ये ग्रैब क्या करते हैं, ग्रैब आवर अटेंशन। ए टाइग्रेस इज रिपोर्टेड टू बी डैश द एरिया एंड डैश ए विलेजर एवरी फ्यू डेज, टू बी रिपोर्टेड वी थ्री आएगा। टाइग्रेस इज रिपोर्टेड टू बी फ्राइटन द एरिया, फ्राइटन एंड असेंबल ए विलेजर्स एंड विलेजर एवरी फ्यू डेज, नहीं 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 स्कैर्ड आएगा वी थ्री ना। ए टाइग्रेस इज रिपोर्टेड टू बी स्कैर्ड द एरिया एंड फिनिशिंग ए विलेजर एवरी फ्यू डेज एंड डैश ए विलेजर, वर्ब लगेगा एंड असेंबल तो नहीं हो, मर्डरिंग हो सकता है। टू बी प्रोग्रेसिंग दी, हाँ प्रोग्रेसिंग ठीक है, जेरेंड लग गया है। ए टाइग्रेस इज रिपोर्टेड टू बी, वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, पर आ क्यों नहीं रहे यहाँ। ए टाइग्रेस इज रिपोर्टेड टू बी प्रोग्रेसिंग द एरिया एंड, अच्छा पैसिव नहीं है ये, ठीक है तो हाँ प्रोग्रेसिंग ठीक है, प्रोग्रेसिंग द एरिया एंड मर्डरिंग ए विलेजर एवरी फ्यू डेज, ये ठीक है। When we are citizens, we want dash air, whereas we want क्या होगा, क्लीन एयर ही होगा। Whereas when we are economic agents, we want to drive a diesel car. देखो एयर कैसी हो सकती है, polluted, we want polluted नहीं, corrupt नहीं, pious नहीं, ये सही है, ये ठीक है, क्लीन एयर होता है। The global economy is dash to dash by इतना, is expected to grow. रिपोर्टेड डिक्लाइनिंग नहीं हो सकता, 2+B1 तो ग्रो ही आएगा। वाइल द तालिबान हैव प्रॉमिस्ड ए मोर इंक्लूसिव डैश एंड डैश एडजेक्टिव लगेंगे दोनों में दिस टाइम, तो प्रॉमिस्ड ए मोर इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव रेन दिस टाइम, है ना, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, इंक्लूसिव भी हो प्रोग्रेसिव भी हो, रेन दिस टाइम, तो रेन नाउन हो गया दिस टाइम, तो ए मोर इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव रेन, तो रेन नाउन एडजेक्टिव उसको डिफाइन करेगा और प्रोग्रेसिव, और एक और एडजेक्टिव लगाया है रेन के लिए वो है इंक्लूसिव, तो रेन ठीक है। रेज योर डैश टू द पीपल हु फाइंड ग्लूमी सडनली एंड लेट देम नो दैट यू केयर अबाउट देम एंड हैव डैश अ चेंज इन हर बिहेवियर रिसेंटली एंड हैव नोटिस्ड। रेज योर रिगार्डिंग टू नहीं, रेज योर रेज योर कंसर्न्स हो सकता है, वॉइस क्या लगेगा सेकेंड ब्लैंक में, एंड लेट देम नो दैट यू केयर अबाउट देम एंड हैव सीन, सी नहीं आएगा, सीन आता थर्ड फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म सॉरी सॉरी थर्ड फॉर्म ही लगेगा हैव, है ना, तो कंसर्न्स और ऑब्जर्व्ड एंड हैव ऑब्जर्व्ड ए चेंज। Some part of it mark bold, you have to identify the option that would replace. ठीक है, it is too early to make any predictions on the makeup of the future Taliban government and there will be difficult decisions to make in the future regarding its recognition. It is a prediction. It's ठीक है, Taliban government है तो singular है, it's ठीक लग रहा है मुझे, and there will be difficult decision to make in the future. टू मेक मेड नहीं आएगा, टू मेक इन फ्यूचर रिगार्डिंग देयर रिकग्निशन, ओके तो देयर लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओहो दुविधा में आ गया मैं फिर से, इट्स लगेगा या देयर लगेगा। इट इज़ टू अर्ली टू मेक एनी प्रडिक्शन टू मेकअप ऑफ द फ्यूचर तालिबान गवर्नमेंट and there will be difficult decision to make in future regarding its ठीक है, no requirement. The authorities must plan for a quick rollout and should immediately start reserving COVAXIN doses now
इन प्रोडक्शन फॉर स्कूल गॉन चिल्ड्रन, नहीं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. इन मैनी कंट्रीज ऑटोक्रेट्स आर असर्पिंग डेमोक्रेसीज इवन एज नेशन पॉलिसीज हैज म्यूट ग्लोबलिस्ट वॉइसेस. नेशन पॉलिसीज, पॉलिसीज नेशन, नेशनल पॉलिसीज होगा ना, पॉलिसीज नाउन है तो कैसी पॉलिसीज, नेशनलिस्ट हो सकता है, यस नेशनलिस्ट पॉलिसीज, पॉलिसीज है तो हैज़ नहीं आएगा, हैव म्यूटेड ये आएगा. इन मैनी कंट्रीज ऑटोक्रेट्स आर अपसर्पिंग डेमोक्रेसीज इवन एज नेशनलिस्ट पॉलिसीज हैव म्यूटेड. ठीक है, ओके, दिस इज क्लोज एज आई थिंक टिल 30 तक होगा. विल गो विद द आरसी नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द शेप ऑफ ए विंड. ओके, ये भी रुको, सिंगल लाइनर कोई आ जाए. रिकग्नाइज्ड अपोजिट मीनिंग, ओवरलुक्ड हो सकता है, रिकग्नाइज्ड ओवरलुक्ड यानी अनदेखा करना, मेरे ख्याल से तो यही है. ठीक है, पढ़ते हैं आरसी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट शेप ऑफ विंड कैचर स्ट्रक्चर, स्क्वायर रेक्टेंगुलर रेपेंटेंगुलर. ठीक है, पढ़ते हैं जल्दी जल्दी. द सिटी ऑफ याड इन द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल ईरान हैज लॉन्ग बीन ए फोकल पॉइंट फॉर क्रिएटिव इंजेन्यूटी. याड इज ए होम टू सिस्टम ऑफ एंशियंट इंजीनियरिंग मार्वल्स दैट इंक्लूड एन अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेटर स्ट्रक्चर कॉल्ड इतना द अंडरग्राउंड इरीगेशन सिस्टम कॉल्ड यंतास एंड इवन ए नेटवर्क ऑफ करियर्स कॉल्ड इतना दैट प्रीडेट पोस्टल सर्विस इन इतना. Among yards, ancient technology is the wind catcher or budgir in Persian. These remarkable structures are in common sight, soaring above the rooftops of yards. They are often rectangular towers, but they also appear in circular, square, octagonal, and ornate shape. तो pentagonal नहीं है ना, rectangular है, square, circular है, और rectangular तो दे ही दिया, तो फिर ये नहीं है, not pentagonal नहीं है. Which of the following statements are true about the city of Yard? It has most number of wind catcher structures. It is UNESCO. It is also agriculture. पढ़ते हैं. Yard is said to have the most wind catchers in the world. ठीक है, पहला सही है. True पूछा है, हाँ. Though they may have originated in ancient Egypt, in Yard wind catchers soon provided indispensable, making this part of the hot and arid Iranian plateau livable. Though many of the cities wind catcher have fallen out of the use, the structure are now drawing academics, architects and engineers back to the desert city to see what role they could play in keeping a school in rapidly heating world. As a wind catcher requires no electricity to power it, it is both a cost effective and green form of cooling, with conventional mechanical air conditioning already accounting for the 5th October itna itna. Ancient like wind catcher becoming an increasingly appealing option. The shape of the tower alongside factors like the layout of the house, direction of the tower is facing, how many opening it has, its configuration of the fix itna itna itna. Isme to bhi ek hi aaya hai, par bhi padh lete hain. Aur using the wind to cool buildings has a history stretching back almost as long as people have lived in the itna. Some of the earliest wind catching comes from 3000 itna. Arabic itna itna Iran itna itna itna. Yahan pe kahi nahi hai agriculture structure ke liye. Aur world heritage ka kahan hai, do paragraph padh leta hu. The Persian civilization widely considered to have added structure variation to allow for better cooling, such as combining it with the existing irrigation system to help cool the air down before releasing throughout the home. In yards, home, dry climate, this structure proved remarkably popular until the city became a hotspot of soaring ornate towers seeking desert wind. The historical city was recognized as UNESCO World Heritage Site in 2017. It is a part of Itna. As well as performing the function of cooling home, the tower also laid a strong cultural significance. In yards, wind catcher are as much a part of skyline as Itna, Itna, Itna. The emission-free cooling efficiency of such wind catchers make researcher argue. ठीक है, agriculture की बात नहीं है, 1 and 2 है. As mentioned in the passage, which country probably invented wind catching technology? Egypt है, यहीं पे दिया था. Some of the earliest wind catching technology comes from Egypt, 3300 years ago. ईरान भी है ऑप्शन में, ईरान भी मैंने कहीं पढ़ा था यहाँ पे, लेकिन जो है
इन द हिस्ट्री स्ट्रेचिंग बैक, वो इजिप्ट ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, द सिटी ऑफ याद इज ऑन द टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, द पोस्ट सर्विस ऑफ याद आर 2000 साल पुराना, टू कूल बिल्डिंग फर्स्ट स्टार्टेड, ये इन्फर्ड वाले बाद में. विंड ड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ विंड कैचर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फैक्टर, शेप, कॉन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ ओपनिंग, ये अभी कहीं पढ़ा था. ये रहा द शेप ऑफ द टावर अलॉन्ग साइड फैक्टर्स लाइक द लेआउट ऑफ द हाउस, ये तो है. कॉन्फिगरेशन ऑफ फिक्स इंटरनल ब्लेड्स नहीं है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स है क्या. डायरेक्शन ऑफ द टावर इज फेसिंग एंड हाउ मेनी ओपनिंग्स इट हैज, इट कॉन्फिगरेशन ऑफ फिक्स्ड इंटरनल ब्लेड्स, ठीक है. ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए वेरिएशन ऑफ विंड कैचर एज पर द पैसेज, मलकाफ, मूंग, बज, बर्जील्स, बगदगीर, क्वांटल्स, ये पहले में देखा था. देखो तो ये यक्चाल है, फिर पिराजिड, पिराजाडीज है, पिराजाडीज भी नहीं है, क्वांटस है, क्वांटस है, बदगीर है, तो क्वांटल बदगील तो आ गए. और बताओ कहाँ पर है, ठीक है. और भी देखते हैं, इटालिक में है तो देखना आसान होगा मेरे ख्याल से. बर्जील्स भी है, मलकाफ भी है, बर्जील तो ये मूंग नहीं है, तो मूंग और पाकिस्तान सारे तो हैं. कहाँ में पढ़ लेते हैं, विंड कैचर ना यूजिंग, तो विंड कैचर बर्जील ऑफ कतर, मलकाफ ऑफ इजिप्ट, मूंग ऑफ पाकिस्तान एंड मैनी अदर्स, तो ये विंड कैचर तो हैं. बडगीर और कंटस देखना है, क्वांटस. अमोंग द यर्स एंशेंट टेक्नोलॉजी इज द विंड कैचर और बडगीर इन पर्सिया, बडगीर भी है, तो ये कंटस क्या है. अंडरग्राउंड इरीगेशन सिस्टम, अच्छा ये है, ये नॉट है, ये विंड कैचर नहीं है, इरीगेशन सिस्टम है अंडरग्राउंड वाला. अपोजिट मीनिंग कर ही दिया. एज पर द पैसेज वाई रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट विंड कैचर्स आर ड्यू इन रिवाइवल, दे डू नॉट एमिट हार्मफुल, दे देयर ऑर्नेट शेप, लो पावर कंजम्पशन, अंडरग्राउंड रेफ्रिज, ठीक है. अ ड्यू ए रिवाइवल, ड्यू अ रिवाइवल, इट इज बोथ कॉस्ट इफेक्टिव एंड ग्रीन फॉर्म ऑफ कूलिंग विद कन्वेंशनल मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग ऑलरेडी अकाउंटिंग फॉर ए फिफ्थ ऑफ टोटल एलेक्स विंड कैचर बिकमिंग एन इंक्रीजिंग अपीलिंग ऑप्शन, ठीक है. तो नो इलेक्ट्रिसिटी, लो पावर कंजप्शन, कॉस्ट इफेक्टिव इन ग्रीन फॉर्म ऑफ कूलिंग, इसमें इसको वन ऑफ द पार्ट में कंटेनर. दिस ईयर इन कैलिफोर्निया मोर देन ट्वाइस एज मच एकर्स ऑफ लैंड हैव बीन बर्न बाय वाइल्ड फायर्स कंपेयर्ड विद द 5 ईयर एवरेज, कंपेयर्ड टू दिस ईयर इन कैलिफोर्निया मोर देन ट्वाइस एज मच एकर ऑफ लैंड एकर्स हैव बीन बर्न बाय इतना कंपेयर्ड विद द 5 ईयर एवरेज, कंपेयर्ड टू ज़्यादा अप्रोप्रिएट आता, कंपेयर्ड टू तो डी में है एरर. ट्विटर ओन सब्सिक्वेंट एनालिसिस शोड ए 4% डिफरेंस फ्रॉम डेमोग्राफिक पैरिटी इन फेवर ऑफ वाइट इंडिविजुअल, ट्विटर ओन नहीं होगा, ट्विटर्स ओन, तो एपोस्ट्रोफी लगेगा ए में.
देयर हैव बीन सेवरल डेड इन लैंडस्लाइड्स इन इंडिया इन द रिसेंट मंथ्स ड्यूरिंग एन अनयूजुअली हैवी मानसून अनयूजुअली ड्यूरिंग एंड हैवी मानसून है मानसून कैसा अनयूजुअल है अनयूजुअल हैवी 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 एडजेक्टिव है तो उसके लिए एडवर्ब लगाया ठीक है एंड मैनी पीपल वर ट्रैप्ड अंडर डेब्रिस इन ए ह्यूज लैंडस्लाइड एंड मैनी पीपल वर ट्रैप्ड अंडर डेब्रिस इन ए ह्यूज डेब्रिस ऑफ आएगा ना डेब्रिस ऑफ ए ह्यूज लैंडस्लाइड ऑफ लगेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे There were several dead landslides in India in a recent months during an unusually heavy monsoon, and many people were trapped under debris of huge landslide. Off aega, D mein error hai. Getting private money with a long term horizon is essential, as even the governments of the rich countries don't have the fiscal space to do it on its own. Getting private money with a long-term horizon. Getting private money is essential as even the governments of the rich countries ठीक है do not have the fiscal space to do it on its own ठीक है no error लग रहा है even if one accounts for vaccine hesitancy plain ignorance or a delayed second shot because of a post first jab COVID infection The gap is not good news. Even ये इसमें मैं doubtful हूँ इसे जाने देते हैं. Sixth, fifth, third, first. While the human brain is an odd one, a few decades at most, the internet is a new thing. We are not used to it, and how the same goes for the pronoun. The internet is a new thing. While the human brain is an old one. If you decade nahi, we are not used to it. C se shuru hoga. Pehli baat to ye. The lagaya hai to. C se hi hoga. Sixth, fifth, second hai nahi kya? Third hai fir. To dekho, the internet is a new thing. While the human brain is an old one. And how much time has the internet been around is one's everyday life. The same goes for the process of society. मुझे तो ख़त्म हो गया ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया मैं देखते हैं क्या स्कोर क्या परसेंटाइल आती है तो देखो बहुत कम नंबर आए हैं लेकिन परसेंटाइल अच्छी है 93.86 है और 16 नंबर आए हैं और एक्यूरेसी भी गलत हुई है यानी 5 गलत हुए हैं तो हम देखते हैं कौन से गलत कर दिए हैं मैंने 5 क्वेश्चन तो पहला गलत है एरर में मैंने बी में एरर होनी चाहिए मैंने डी में लगाई है कंपेयर्ड विद भी ठीक है मतलब और बी में क्या एरर हो सकती है दिस ईयर इन कैलिफोर्निया मोर देन ट्वाइस एस मच नहीं आएगा एज मैनी एकर्स मैनी आएगा अब दिमाग में चमक रहा है पहले नहीं चमक रहा था फिर ये ए में एरर आ गया अपोस्ट्रोफी भी लगेगा ट्विटर्स आएगा ये सही हो गया इसमें ए में एरर है देयर हैव बीन सेवरल डेड लैंडस्लाइड्स इन देयर हैव बीन या देयर हैज बीन डेडली लैंडस्लाइड डेड नहीं आएगा ओके डेडली डेड एक नाउन है हमें एडजेक्टिव चाहिए था यस लैंडस्लाइड के लिए एक एडजेक्टिव डेडली आएगा तो ये गलत हुआ इसमें डी में एरर थी तो डी में एरर है द फिजिकल स्पेस टू डू इट ऑन इट्स ओन क्या एरर है ऑन देयर ओन कंपनीज हैं ठीक है और सॉरी गवर्नमेंट्स हैं इसलिए देयर ओन आना था ठीक है इसमें नो एरर थी ये तो सही हो गए मतलब एरर वाले 3 गलत हुए हैं मेरे और एक आरसी भी गलत हुआ है ओनली 2 इज करेक्ट है क्यों इट हैज मोस्ट नंबर ऑफ विंड कैचर स्ट्रक्चर्स इन ये कहाँ से गलत हो गया इट सेड टू हैव मोस्ट विंड कैचर्स इन द वर्ल्ड दो दे मस्ट They may have originated itna. The passage states that the city of Yad is said to have the utmost number of edges, but we cannot conclude definitely that it has the most. Achha, jabardasti. Ye to yaar dhoka hai.
ये सही था, ये मैंने छोड़ दिया था, ये सही था, ये सही था, ओवरलुक्ड सही है, ये मैं कर नहीं पाया था, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था, और इसलिए ये मैंने छोड़ दिया था। फिर ये सही है, ब्लैंक, इस ब्लैंक में गलत है। ओके, टेरराइजिंग आएगा, दी एरिया, प्रोग्रेसिंग दी एरिया, मुझे लगा जा रहा है इसलिए प्रोग्रेसिंग कर दिया मैंने। मर्डरिंग किलिंग तो ठीक ही था, ठीक है, ये सही हुआ, 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 ये सही हुआ। सी ए तो कर लिया था, CAE, फिर भी ए फ्यू डेकेड एट मोस्ट, बी वी आर नॉट यूज टू इट, द सेम गोज फॉर इतना, ठीक है, ये इसमें एक ही मैं कर पाया था, फर्स्ट सेंटेंस वाला, ठीक है। तो कहाँ पर है इसका। तो ये था गाइस आज का वीडियो, और 16.75 मार्क्स आए हैं, कट ऑफ थी 9, और 93.86% है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अब डू लाइक दी वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।